आज फेरोपे ने कमाल का अपडेट निकाला है। कसम से दोस्तों, जिस अपडेट के बारे में हम लोग सोच रहे थे, खासतौर से मैं तो बहुत ज्यादा सोच रहा था, आज फेरोपे कंपनी वालों ने वो अपडेट निकाल दिया है। दोस्तों, अगर आप फेरोपे की लिमिट को यूज कर पा रहे थे तो कोई बात नहीं, ये अपडेट उन बंदों के लिए है जो फेरोपे की लिमिट को यूज नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो भी फेरोपे की लिमिट को यूज कर पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। फेरोपे में जिस प्रकार का अपडेट मैं चाहता था उसी प्रकार का अपडेट आ चुका है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ कि यहाँ पर दोनों, मैं आपको दो अपडेट के बारे में बताऊँगा। एक तो खुश वाला है जो हमको खुशी कर देगा, और दूसरा दुखी वाला है जो हमको दुखी कर देगा, ठीक है। लेकिन दोनों ही अपडेट आपको जानने लायक है और समझने लायक है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि फेरोपे ने कौन कौन से नए दो अपडेट निकाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, हम यहाँ पर ओपन करते हैं अपने फेरोपे एप्लीकेशन को। जैसे हम ओपन करेंगे, यहाँ पर हमारा फेरोपे जो ऐप है वो ओपन हो रहा है। कुछ समय तक यहाँ पर हम वेट करेंगे, ओके। वेट करने के बाद यहाँ पर देखो, फेरोपे की तरफ से मुझे 500 रुपये की लिमिट मिली हुई है। पहले हम क्या करते थे कि स्कैन एंड पे करके फेरोपे की लिमिट को हम जो बैंक में ट्रांसफ़र कर लेते थे, लेकिन अब हम बताने वाले हैं बैड अपडेट के बारे में पहले जानकारी। तो देखो भाई, जो बंदे अभी स्कैन एंड पे करके फेरोपे की लिमिट को बैंक में ले रहे हैं, वो कुछ समय बाद बंद हो जाएगा। फेरोपे का लिमिट जो है वो बैंक में ट्रांसफ़र आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब ये तो हो गई दुखी वाली बात, क्योंकि दोस्तों फेरोपे की जो लिमिट है, हम बैंक में ट्रांसफ़र करते थे तो हमको ही बेनिफिट मिलता था, क्या है ना, क्योंकि हम पैसे यूज कर लेते थे। लेकिन अब ये फीचर फेरोपे बंद कर रही है, तो अब जो नया फीचर है वो क्या है? तो दोस्तों, आप टेंशन मत लो, इस लिमिट को आप यूज कर पाओगे, और 30 दिन का आपको इंटरेस्ट भी, 30 दिन का आपको इंटरेस्ट फ्री ब्याज लिमिट मिलेगा, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर आपको सभी कुछ वैसी होगा आपके साथ, लेकिन कुछ फीचर्स बदले हैं। पहली बात, स्कैन एंड पे करके जो आपका पैसा बैंक में जा रहा है, ये कुछ समय बाद बंद कर दिया जाएगा। और दोस्तों, जो नीचे आपको ऑफर्स दिख रहे हैं जो कि नए अपडेट अभी निकाले हैं, इन सभी अपडेटों में, इन सभी एप्लीकेशन के अंदर आप ये सभी फीचर्स करके आप पैसे यूज कर सकते हो। मतलब कि आप फेरोपे के अंदर आकर के एजुकेशन फीस, इलेक्ट्रिकल बिल भरना, प्रीपेड प्रीपेड गैस भरना, पोस्टपेड मोबाइल रिचार्ज करना, लैंडलाइन, वाटर, ये सभी जो इन्होंने फीचर्स ऐड किए हैं अपने ऐप के अंदर, अब आप फेरोपे की लिमिट को इसी ऐप के अंदर दिए गए फंक्शन में यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप बैंक में ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये दोस्तों खुश वाला अपडेट, क्योंकि दोस्तों मैं भी यही चाहता था, क्योंकि मैं कुछ समय से फेरोपे की लिमिट को बैंक में ट्रांसफर नहीं कर पा रहा था। मैं बैंक में भेज रहा था तो वो जो बता रहे थे कि आपका जो लिमिट है वो अभी हम अनब्लॉक करके रखे हुए हैं, और जैसे ही मैंने मोबाइल रिचार्ज करना चाहा तो मोबाइल भी रिचार्ज अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि दोस्तों ये जो अपडेट है अभी फेरोपे ने अपने अंदर लगाए हैं, बट अभी ये पूरी तरह से वर्क नहीं कर रहे हैं। मतलब कि साफ है कि जब तक ये पूरी तरह से वर्क नहीं करेगा, तब तक आप लिमिट को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे ही ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा, आप लिमिट ट्रांसफर नहीं कर पाओगे बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो दोनों अपडेट मैंने आपको बता दिए हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, तो सवाल है, तो भैया आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ लें, बेझिझक होकर पूछ लें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।